हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं आसिफ हाइट टेक। तो आज बात करने वाले हैं कि आज अपने सब्सक्राइबर को कैसे हाइड एंड अनहाइड करें। तो बहुत सारे नॉर्मल बंदे हैं जिनके सब्सक्राइबर कम होते हैं, वीडियो डालते हैं तो बहुत सारे बंदे सोचते हैं यार इसका तो कम सब्सक्राइबर, इसको कौन देखेगा। तो इस तरह के बहुत सारी बातें होती है, तो इस वजह से बहुत ही बंदे अपने सब्सक्राइबर को हाइड कर लेते हैं, जिससे कोई भी पर्सन को, थर्ड पार्टी को पता नहीं चलता है कि इनके कितने सब्सक्राइबर है। तो आज इसी पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइबर हाइड एंड अनहाइड करने के लिए आप कोई भी ब्राउज़र यूज करते हैं तो उसको ओपन कर ले सबसे पहले। और ओपन करने के बाद आप गूगल खोल ले, या फिर विदाउट गूगल खोले भी टाइप कर सकते हैं यूट्यूब स्टूडियो। तो जैसा कि यूट्यूब स्टूडियो टाइप करने के बाद आप यूट्यूब स्टूडियो खोले, उसके बाद यूट्यूब स्टूडियो खोल लेने के बाद आप इस पे ऑप्शन है बहुत सारे, वो ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप उसको हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। मैं जैसा कि मेरा पास 67 सब्सक्राइबर है, तो मेरा सेटिंग क्लिक करना है सबसे पहले है मुझे। सेटिंग क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जनरल मिलेंगे, चैनल मिलेंगे, अपलोड डिफ़ॉल्ट मिलेगा, परमिशन मिलेंगे, कम्युनिटी एग्रीमेंट्स। तो मुझे चैनल पे आना है। चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको बेसिक इन्फो आएगा, आपको कीवर्ड कुछ डाल सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एडवांस ऑप्शन है, तो मुझे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद मुझे नीचे आना है, नीचे थोड़ा और नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर काउंट लिखा हुआ है। तो डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइबर माई चैनल, तो इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद देखिए यहाँ सेटिंग सेव हो गया है। तो अब आपको जो है उस सब्सक्राइबर दिखने लगेंगे। और उसके बाद आप कोई भी बंदे आपको YouTube चैनल सर्च करेंगे या आपकी वीडियो देखेंगे तो उसके नीचे आपका ये सब्सक्राइबर शो करेगा। और उसको अनहाइड करने के लिए फिर आपको वही सेटिंग पे आना होगा। उसके बाद सेटिंग के बाद चैनल पे आना होगा आपको, उसके बाद एडवांस सेटिंग, उसके बाद नीचे आना होगा। और इसको डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइबर टू माई चैनल, इसको क्लिक करने के बाद इसको सेव कर देना है। बस बस इतना करने के बाद आपको आपका चैनल वहां से फिर अनहाइड हो जाएगा। आपको जो सब्सक्राइबर है वो आपका रहेगा, लेकिन सिर्फ आप देख सकते हैं, इसको पब्लिकली नहीं कर रहे हैं, बस पर्सनल आप देख सकते हैं। पब्लिकली करने के लिए फिर आपको वही ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।